बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़िम। नीलम शहज़ादी आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी के साथ। तो आज की मेरी रेसिपी है मैक्रोनी, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ये बाज़ार से लिया था डब्बा मैक्रोनी का, ठीक है। एक अदर ये मैक्रोनी है, ठीक है। उसको मैंने बॉइल कर लिया, ठीक है। उसमें आधी चमची ऑयल और थोड़ा सा नमक पानी उबाल के तो इसको हमने उबाइल करके छानने से निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया एक मैक्रोनी का पैकेट जिसको हमने उबाइल किया हुआ है। और ये बंद गोभी एक अदद थी जिसको बारीक काट लिया है। एक प्याली ये चिकन है हमारे पास, ठीक है। दो चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच सिरका, प्याज ये भूखों वाली हरी प्याज जिसको बोलते हैं, ठीक है। दो उधर ये काटी हुई है, ठीक है। और दादरी मिर्च है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ये काली मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक, ठीक है। हसबे जैका जैसे आप लाइक करते हैं उतना भी डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट एक से डेढ़ चम्मच, और दो से दो चम्मच ऑयल, और तीन से चार अदद गाजरें कटी हुई, और चार अदद शिमला मिर्च, दो दो चम्मच केचप, ठीक है। करूँगी क्या, सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी। ऑयल को डालूँगी किसी कढ़ाई में, जी सबसे पहले मैंने ऑयल डालूँगी कढ़ाई में, ठीक है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होना देंगे, जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे। क्या मैम, इसमें एक प्याली जो मैंने ये चिकन धो के रखा था इसमें काटा हुआ है, ठीक है, इसको इसके साथ भून लूँगी इसी तरह। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया है तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, ठीक है। दादरी मिर्च, नमक और काली मिर्च, ठीक है, नहीं डाला, ठीक है। मसाला हमारा जलना जाए, ठीक है। अब मैं डालूँगी प्याज हरी कटी हुई, इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। अब इसमें मैं गाजरें डाल दूंगी, गाजरों को मैंने अच्छी तरह भून के तो इसमें चार चम्मच पानी डाला है कि हमारा ये जो है गाजर थोड़ी गल जाए और हमारी ये बोटियां भी थोड़ी सी गल जाएँ, कच्ची ना रह जाए, ठीक है। इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट तो ये गल जाएगी जब, तो हम इसमें फिर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जी। अब ये हमारा खुश्क हो गया तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी, ठीक है। और इसको भून लूँगी, बंद गोभी डाल दूंगी कटी हुई, ठीक है। ये जो हमारी पड़ी हुई है अब मैं इसमें ये बंद गोभी को ऐड कर दूंगी। बंद गोभी को मैंने फ्राई किया है तो अब इसमें मैंने दो चम्मच सिरका रखा था वो डाल दूंगी। दो चम्मच हमारा सोया सॉस था वो डाल दूंगी। और दो चम्मच हमारी केचप है वो डाल, केचप भी डाल दी हमने दो चम्मच। तो अब इन सब चीज़ों को मैं भून लूँगी पका लूँगी जी। 4 से 5 मिनट का मैं इनको दम दूँगी, ये सब्जियाँ सारी एक जैसी हो जाएँ, नमक मिर्च में सब जो मसाले डालें एक जैसा हो जाए, ठीक है। 4 से 5 मिनट का सिर्फ जी। इसको हमारे 4 मिनट छोड़ चुके हैं तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 चम्मच और केचप डालूँगी, ठीक है। 2 से भी बल्कि 3 चम्मच आप दे सकते हैं। मैंने 3 चम्मच केचप और डाल दिया, अब इससे इसका टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाएगा। अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैक्रोनी डाल दूँगी जो हमने लादा से बॉइल की हुई है वो डाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं मैक्रोनी मैंने अब इसमें डाल दिया। अब मैं सारा इसको अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक मिक्स करूँगी जी। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रेसिपी रेडी हुई है। अब ये हमारी रेडी हो गई। अगर आप लोगों को नीलम शहज़ादी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीलम शहज़ादी को मैं दुआ में याद रखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भेजा करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ठीक है। तो अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे, ओके, खुदा हाफिज़।